यीशु सहाय, आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना शुरू करेंगे। उससे पहले आह्वान वचन आज के लिए जो ठहराया गया है हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता का किताब उसका अध्याय 18 45 46 दो पद हम लोग सुनेंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थर थराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो, आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 121 121। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। Yeah.
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5:13-16, मत्ती 5:13-16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। 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 हालेलुया।
अब हम समस्त क्रीट यानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान श्री जन्हार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत की अगुवाई गोसनार कोयर करेगी। Yeah.
गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रभु तेरी ओर अपने आत्मिक आँखों को उठाते हैं और प्रभु तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। प्रभु जी, जीवन के हर पहलू में तू हम सबों को अब तक संभाला है, धन्यवाद देते हैं। बीते जीवन में तू हमारे संग रहा, हमें तू अपनी सुरक्षा में रखा और प्रभु आज का यह दिन हमें दान स्वरूप दिया है कि हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं तेरे तमाम प्रकार के दया और आशीषों के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों पर तूने प्रकट किया है, और प्रभु तू हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने महान कीमत चुका कर हम सबों के लिए उद्धार और छुटकारे के काम को पूरा किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझमें जीवन को समर्पण करते हैं। तू हम सबों को अपने विश्वास में बनाए रख कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक हम इस विश्वास की रखवाली कर सकें और अंत में जो अनंत जीवन का अधिकार तूने हमारे लिए कमाया है उसको हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो वचन तू हमारे लिए रखा है उसके द्वारा हमसे बातचीत कर, उस वचन का आशीष हम सबों को दे और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को तू अपने विश्वास में मजबूती दे, हमारे सारी दुर्बलताओं अपनी सामर्थ को भर दे। आज के वचन का आशीष एक एक को बहुत आयत से प्रदान कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, उसका अध्याय 8, रोमियो 8 18 से 25। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर संगति के लिए, समय के लिए, कि प्रभु के दया और आशीष के कारण आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के नज़दीक पाए जाते हैं और इस रविवारीय आराधना में हम लोग
सम्मिलित होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसके महान आशीषों के लिए हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए और आज के वचन के लिए जिसके द्वारा हमसे बातचीत करके हमारे विश्वास को और ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ थामे रखने के लिए परमेश्वर के नज़दीक हम सबों को लाता है, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लाता है और हम प्रभु में जीवन को समर्पित करके उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। चाहे जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जिस प्रकार पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को जब से समर्पित किया है, वह उसके सुसमाचार के लिए पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित है और सुसमाचार के खातिर वो विभिन्न प्रकार के क्लेश और दुख और परेशानियों को सहता है, विरोधों का सामना करता है। और पौलुस सुसमाचार के लिए दुख उठाता है, फिर भी वो कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अर्थात दुनिया के जितने भी प्रकार के दुख और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हम सामना करते हैं, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से प्रकट होंगे अपने स्वर्ग दूतों के साथ, दल बल के साथ आएंगे दोबारा इस सृष्टि में और अपने लोगों को एकत्रित करके स्वर्ग में ले जाएंगे, उस महिमा के राज्य में प्रवेश कराएंगे, उस अनंत जीवन के अधिकार को देंगे और वह आनंद और सुख और शांति इस दुख, इस दुनिया के दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। अर्थात उस आनंद और शांति के सामने इस दुनिया का दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है पौलुस की भाषा में। और सच में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को वादा करके गया है कि एक दिन वह दोबारा इस संसार में आएंगे। और हम लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यह जगत आदम की वजह से आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप में पड़ गया, मनुष्य जाति पाप में पड़ गया और मनुष्य ही नहीं लेकिन सारी सृष्टि मनुष्य के पाप के कारण शापित हो गया। और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 3:17 में कि भूमि तेरे कारण शापित है, अर्थात सारी सृष्टि शापित है और यह सृष्टि आशा भरी दृष्टि से उस उद्धार और छुटकारे और स्वतंत्रता की बाट जो रही है। और वह छुटकारा तो उस समय मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे महिमा के साथ और अपने लोगों को उस महिमा के राज्य में लेकर जाएंगे। और यह बात हम सबों को
बतलाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सुनिश्चित रूप से एक दिन इस जगत में आएंगे। जैसे हम लोग मार्क रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 में देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन के विषय में, लिखता है वहाँ पर, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारे गण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। वही एक दिन होगा जो छुटकारे का दिन होगा। और उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम लोग पाते हैं 24 अध्याय में, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे पत्रस की दूसरी पत्री, उसमें भी हम लोग इस बात को पाते हैं, जहाँ पर पत्रस हम सबों को कहता है 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3:12 से आगे हम लोग देखें, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आज यह पृथ्वी श्रापित है और कराह रही है और छुटकारे की बाट जो रही है, लेकिन एक दिन उस छुटकारे को प्राप्त करेगी जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे महिमा के साथ और एक नई सृष्टि में हम सबों को, हरेक विश्वासियों को लेकर जाएंगे, क्योंकि उसने वादा किया है दोबारा आने का। और यह सृष्टि के विषय में हम लोगों ने देखा कि यह तो नष्ट हो जाएगा और आकाश के तारेगण और जितने भी सृष्टि के अंतर्गत हम लोग जो कुछ देखते हैं वह सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक नई सृष्टि की बात हम लोग देखते हैं, जो कि यशाया के किताब उसका 65:17 में हम लोग पाते हैं। उसमें एक नई सृष्टि की विचारधारा को हम लोग पाते हैं और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यशाया 65:17 में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर लिखता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ
और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। अर्थात आज जिस प्रकार वचन हम लोगों को बतलाता है कि आज का यह दुख या तकलीफ या परेशानी जो प्रभु के नाम से हम लोग प्राप्त करते हैं या पाते हैं, उस नए सृष्टि के आनंद और आशीष के सामने यह कुछ भी नहीं है, यह दुख कुछ भी नहीं है, जैसे पौलुस भी अपने पत्री के माध्यम से हम सबों को बतलाता है। सच में पौलुस जब से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको भिन्न भिन्न तरीके से अपने आप को उस पर प्रकट किया, दर्शनों के माध्यम से, प्रकाशनों से के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत किया, उसको अगुवाई किया सुसमाचार प्रचार के लिए, और वह बहुत कठिन दुखों को सहा, लेकिन आज फिर भी वो कहता है कि उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब हम सबों को आएंगे और अपने राज्य में ले जाएंगे, उस आनंद और उस आशीष और उस खुशी के सामने यह दुख जो उसने सहा है उसको तुच्छ गिनता है, कुछ भी नहीं है कहता है। और वह दुख जो उसने सहा है उसका लिस्ट हमको बतलाता है, दूसरा कोरिंथ 11 अध्याय उसका 23 से आगे हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार वो कहता है, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो इस प्रकार पौलुस यहाँ पर उन कष्ट भरी समयों का लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि उसके बावजूद इन दुखों को पौलुस तुच्छ गिनता है और कुछ नहीं कहता है उस महिमा के सामने। तो सच में आज हम सब पौलुस के इस वचन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए जो वादा किया है और हम सबों को एक नए सृष्टि और नए आकाश और नए पृथ्वी का जो वादा वचन में हम लोग पाते हैं, उसकी परिपूर्णता उसके आने से पूरी होगी। हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 1-4 में, वहाँ भी इस प्रकार के बात को हम पाते हैं। यहाँ पर यूहन्ना अपने दर्शन को हमारे सामने रखता है, फिर कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा
और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। तो इस प्रकार का एक समय होगा, नई सृष्टि में इस प्रकार की बातें होंगी जहाँ पर किसी प्रकार का विलाप नहीं, आंसू नहीं, रोना नहीं, पीड़ा नहीं, लेकिन हम सब जो नई सृष्टि हैं प्रभु में, उस सृष्टि के हम अधिकारी होंगे। और इसीलिए पौलुस हम सबों को कहता है कि हम उसके विश्वास में और उसकी आशा में हम उसकी बाट जोहते रहें, क्योंकि हम सबों को अभी जब तक परिपूर्णता नहीं होता है, हम लोग को उस आशा में बने रहना है। हम सब प्रभु में रोपे जाने के कारण या प्रभु में विश्वास करने के कारण हम नई सृष्टि तो हैं, लेकिन हम सबों को बने रहना है। जैसे दूसरा कोरिंथ 5 उसका 17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम सबको आज उस प्रभु यीशु मसीह के कारण से नई सृष्टि के हम प्रक्रिया में चल रहे हैं या उसमें हम लोग सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन हम सबों को विश्वस्त होकर उसमें बने रहना है और उसकी बाट जोहना है। और एक दिन जब वो प्रकट होगा तो हम उसको देखेंगे आमने सामने और हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम सबों को आज दिनों दिन प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में चलना है और उस प्रक्रिया की परिपूर्णता का हमें बाट जोड़ना है, और एक दिन उस चीज़ को भी हम देखेंगे, उसको उसकी हम धीरज के साथ बाट जोड़ते हैं तो एक दिन हम उसको देखेंगे। और इसीलिए आज हम सबों को उस विश्वास की रखवाली करना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जिस प्रकार पौलुस धीरज धरकर दुख सुख सभी चीज़ों को सहते हुए प्रभु के वचन में बने रहते हैं और उसके सुसमाचार को प्रचार करते हैं और दुनिया के दुखों को वो तुच्छ जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं उस आनंद के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे कि हम भी पौलुस की तरह कह सकें कि दुनिया का जो कुछ भी तकलीफ है मसीह के नाम से उसका सामना करते हुए हम इस जीवन में विश्वास की बने रहें और अंत में उस आनंद को, आशीष को, उस जीवन को, उस नए सृष्टि के अधिकार को हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल में हर एक उन विश्वासियों के लिए इसकी वादा की परिपूर्णता को हमने देखा वचन के माध्यम से। आइए हम प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करके व्यतीत करें। प्रभु सबों को बहुत आयत से आशीष देवे, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सारी सृष्टि पाप के कारण कहर रही है प्रभु, छुटकारे की बाट जोह रही है प्रभु। जब तू आएगा इस जगत में दोबारा, उसी दिन पूर्णतः छुटकारा को ये जगत प्राप्त करेगा। तूने वादा किया है प्रभु, एक दिन तू आएगा और अपने लोगों को एकत्रित करेगा अपने वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु हम सबों को धीरज के साथ अपने विश्वास में बनाए रख, धीरज के साथ हम तेरी बाट जोहते रहें। दुनिया में जितने प्रकार के दुख और तकलीफ हैं, मृत्यु है जिसका सामना हम करते हैं, तेरे उस आनंद और आशीष के सामने, उस स्वर्गीय आनंद और आशीष के सामने, उस महिमा के राज्य के सामने, और उस महिमा में जब प्रवेश करते हैं उसके सामने, ये दुनिया का दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु
हम सबों को भी तू अपने विश्वास में बनाए रख और हरेक दुख और तकलीफों का सामना हम यीशु मसीह के नाम से कर सकें और तेरी बाट जोहते हुए हम इस जीवन को व्यतीत करने सकें और एक दिन तू दोबारा प्रकट होगा, हम प्रभु तुझे आमने सामने देखेंगे। तूने अपने वचन में कहा है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, एक एक सुनने वालों पर तू अपनी दया को प्रकट कर, एक एक पर तू अपना आशीष का हाथ रख, एक एक को तू अपने विश्वास में खड़ा रख और प्रभु आज के वचन का आशीष बहुत आयत से प्रदान कर, गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दर से सुन और ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लूँ, आमीन। आज के लिए जो सूचना है वह विशेष रूप से बीमारों के लिए है। सुमन बागे जो बीते दिनों से काफ़ी बीमार की अवस्था में हैं और परिवार उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। साथ ही साथ महेश्वर बोरा, वो भी काफ़ी दिनों से बीमार अवस्था में हैं, इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही मंडली के एक एक भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो विभिन्न प्रकार के परेशानी या दुख में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर दयालु पिता, फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। आज हम सबों को अपने वचनों के द्वारा तूने आशीषित किया है प्रभु। हम सबों को तो दृढ़ कर, मजबूत कर, हम अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखें और तेरे आगमन तक उसकी रखवाली कर सकें, क्योंकि प्रभु इस दुनिया का दुख और तकलीफ और परेशानियां तेरे उस महिमा के सामने, महिमा के राज्य के सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। तूने हम सबों को निश्चयता दिया है हर एक विश्वासियों के को कि तू हम सबों को उस नए सृष्टि का अधिकारी बनाएगा। हम सब तुझ में हो करके नई सृष्टि के अंग हैं और प्रभु जब परिपूर्णता होगा उस दिन हम पूर्ण रूप से उसका अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को पाप के अधीन में नहीं छोड़ा, मृत्यु के अधीन में नहीं छोड़ा, लेकिन हम सबों को छुड़ाने के लिए, हम सबों को छुटकारा देने के लिए तूने इस जगत में आकर उस काम को पूरा किया और पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसको तूने वरदान में बदल दिया। और इसीलिए वचन में हम पाते हैं जिसमें तू कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि यीशु के नाम से हमारे लिए तूने अनंत जीवन का अधिकार कमाया है प्रभु। तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं इस समय। प्रार्थना के द्वारा पूरी मंडली को स्मरण करते हुए, पूरे पेरिस को स्मरण करते हुए तेरे निकट लाते हैं, तेरे चरणों में सौंप देते हैं प्रभु। पूरे पेरिस का देखभाल करने वाला तू ही हो, एक एक घर और परिवार का देखभाल करने वाला हो, एक एक जनों का देखभाल करने वाला तू ही हो। सबों को प्रभु तू अपने आशीष के आड़ के नीचे रख और प्रभु हर कोई तेरे विश्वास में बने रहें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम की साक्ष्य और गवाही उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो और प्रभु हर एक को तू अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं या परेशानी में है प्रभु। हर एक के परेशानियों को तू जानता है, दुखों को तू जानता है प्रभु। तू हर एक को नाम ले लेकर जानता है, तेरे निकट लाते हैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन में। तू अपनी दया को उन पर प्रकट कर, अपने आशीष के हाथ को उन पर पसार, चंगाई के हाथ को पसार, अपनी सामर्थ को उसके जीवन में प्रकट कर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोगी दुखी बीमारों को तू चंगाई दे और प्रभु उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। इस समय विशेष रूप से सुमन बागे को तेरे हाथ में लाते हैं प्रभु। इस समय वो दुख के शैया में हैं,
और प्रभु अपने बिस्तरे पर वो कराह रहे हैं, तो उसके कराहने को सुन प्रभु, उसकी आवाज़ को सुन प्रभु, प्रार्थना को सुन प्रभु, और तू ही उसको उठाकर खड़ा कर अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा छूकर चंगाई के हाथ को बढ़ाकर उसको तो अपनी शांति दे, चंगाई दे, और दुष्टता की शक्ति से, बीमारी की शक्ति से उसको तो पूर्ण स्वस्थता का जीवन दे, चंगाई का जीवन दे। और प्रभु एक दिन उसके द्वारा तेरे नाम को ही महिमा मिले। जितने भी प्रकार की सेवाएं, दवाइयां दी जा रही हैं, सभी बातों को, सभी चीज़ों को प्रभु तू यीशु के नाम में गुणकारी कर, यीशु का लहू का छिड़क तू दे, ताकि प्रभु उसके सारे शरीर को तू यीशु के लहू से शुद्ध कर, और प्रभु स्वस्थ हो, चंगाई को प्राप्त करे, और प्रभु उसके द्वारा तेरे नाम को महिमा हो। उसी प्रकार हम महेश्वर बोरा को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, तो उस पर अपनी दया दृष्टि कर, अपने आशीष के हाथ को उस पर रख, और प्रभु वो भी लंबे अरसे से बीमारी की अवस्था में है, प्रभु तू उस पर भी अपनी दया को प्रकट कर, और समय के पूर्णतम उसे उठा कर खड़ा कर। तू कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, उस वचन के अनुसार उसको चंगाई दे, और उसके द्वारा भी तू अपने नाम की महिमा ले। प्रभु जी तूने कहा है कि संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उस वचन के अनुसार इन लोगों जो ये लोग जो संकट में हैं, हर एक के लिए हम पुकारते हैं, संकट से तू उन सबों को, विपत्ति उन सबों से छुड़ा, और प्रभु एक एक के जीवन के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। प्रभु उसी प्रकार सारी बातों के लिए तुझसे हम दया आशीष चाहते हैं, और नाम ले लेकर हमने नहीं मांगा है, परंतु एक एक के लिए, मंडली के लिए, एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक सुनने वालों के लिए जो आशीष हमने नहीं मांगा है, तू अपने स्वर्गीय भंडार से सेंतमेंत यीशु के नाम में हर एक प्रकार के आशीष और वरदानों के भरपूरी दे। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना और धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 145, और इसी समय हम लोग जितने भी प्रकार के दान, मुट्ठी दान, धन्यवाद दान अर्पण करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिसे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महातम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। ईसु सहाय।